आप देख रहे हैं अनोखा पोस्ट। सिवान जिला पूर्वी भारत की बिहार राज्य में स्थित बिहार के 38 जिलों में से एक सिवान के नाम से जाना जाता है। सिवान जिला बिहार के पश्चिम भाग में बसा है, जिसके वजह से इसकी पश्चिम की सीमाएं उत्तर प्रदेश राज्य से मिलता है। वहीं सिवान जिला सारण हेडक्वार्टर में आता है। सिवान जिला पहले सारण जिले का हिस्सा था, लेकिन आज के मौजूदा समय पर सिवान को सारण जिला से अलग करके एक नया जिला का निर्माण किया गया था। इस जिले का गठन 3 दिसंबर साल 1972 में किया गया था। वहीं सिवान जिला ने भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहित कई वीरों के जन्मस्थान और कर्मस्थान की भूमि होने का गौरव प्राप्त किया है। इसलिए सिवान जिला बिहार के इतिहास में खास स्थान रखता है। 8वीं शताब्दी तक ये जिला बनारस साम्राज्य का खास हिस्सा था। बक्सर युद्ध के बाद सिवान को बंगाल का हिस्सा बना दिया गया था। सिवान जिला उस समय अलीगढ़ सवान के नाम से जाना जाता था, लेकिन कुछ समय बाद इस शहर का नाम सवान से बदलकर सिवान कर दिया गया। आपको बता दें कि सिवान की स्थापना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सालगिरह के दिन किया गया था, जिस वजह से भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का सालगिरह और सिवान जिला का स्थापना दिवस 3 दिसंबर को साथ साथ मनाया जाता है। बिहार का सिवान जिला 4 जिलों से घिरा हुआ है, जिसमें गोपालगंज जिला, सारण जिला, देवरिया जिला और बलिया जिला है। सिवान जिला का मुख्य नदी गंडक और घाघरा नदी है। वहीं सिवान जिला बिहार की राजधानी पटना से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 961 किलोमीटर की दूरी पर बसा है सिवान जिला। सिवान जिला में 2 अनुमंडल, 19 प्रखंड, 1 लोकसभा, 8 विधानसभा, 28 पुलिस स्टेशन, 1 जिला कोर्ट, 1 सदर अस्पताल, 3 रेफरल अस्पताल, 1 नगर परिषद, 2 नगर पंचायत, 293 ग्राम पंचायती, 3 शहर और 1530 गांवों में विकसित जिला है। क्षेत्रफल की बात करें तो इस जिले का क्षेत्रफल 2219 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सिवान में रहने वाले परिवारों की बात करें तो एक अनुमान के मुताबिक 5,36,000 के आसपास है और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। आबादी की बात करें तो सिवान जिला जनसंख्या के हिसाब से बिहार राज्य का 12वां सबसे बड़ा और क्षेत्रफल के हिसाब से 15वां सबसे छोटा जिला है। सिवान जिला का अभी मौजूदा समय में कुल आबादी लगभग 38,61,000 के करीब है। वहीं साल 2011 के जनगणना के अनुसार इस जिले की कुल आबादी 33,30,000 के करीब बताई गई थी, जिसमें पुरुषों की आबादी 16,75,000 और महिलाओं की आबादी 16,55,000 है। शिक्षा की बात करें तो इस जिले में कई सारे कॉलेज और स्कूल स्थित हैं, जिसके माध्यम से अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं। साथ ही स्टूडेंट्स की भारी तादाद के वजह से इस शहर में कोचिंग की भरमार भी है। तो वहीं यहाँ ZH यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, राजेंद्र किशोरी BEd कॉलेज ऑफ एजुकेशन, देश रत्न राजेंद्र डिग्री कॉलेज, ZA इस्लामिया कॉलेज, सिवान इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल इस जिले के लिए एक खास केंद्र बना हुआ है। वहीं इस जिले की साक्षरता दर 70% के करीब है। वहीं अगर व्यवसाय यानी बिजनेस की बात करें तो इस जिले में लगभग 9,00,000 लोग बिजनेस से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि सिवान बिहार का एक ऐसा जिला है जहां की एक बड़ी आबादी विदेशों में नौकरी करती है, जो कि अब इस जिले की पहचान बन चुकी है। विदेशों में नौकरी करने की वजह से यहाँ का इनकम ऑफ ग्रोथ काफ़ी अच्छा है और विदेशों से कमा कर लौटने वाले जिलावासी पशुपालन उद्योग से जुड़ रहे हैं, जिससे इस जिले में दूध उत्पादों का बिजनेस खूब फल फूल रहा है।
वहीं इस जिले का आधुनिकीकरण खूब हो रहा है। अगर आप सिवान का मार्केट देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि ये जिला कितना समृद्ध बन चुका है। वैसे तो सिवान जिला इनकम के लिए मुख्य तौर पर खेती पर ही डिपेंड रहा है, बट अब ये ट्रेंड धीरे धीरे बदल रहा है और यहाँ रहने वाले लोग बिजनेस की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। वहीं सिवान जिला में चीनी मिल, पीतल का व्यवसाय, हैंडलूम के व्यवसाय के अलावा इन जगहों पर कई छोटे बड़े व्यवसायों से यहाँ के मार्केट भरे पड़े हैं, जिसके माध्यम से सिवान के जिलावासियों की ज़रूरतें आसानी से पूरी हो जाती हैं। वहीं अगर टूरिस्ट प्लेसेस की बात करें तो इस जिले में कई ऐसे दार्शनिक स्थल हैं जहां लोग घूमने का आनंद उठा सकते हैं। सिवान खूबसूरती से भरपूर जिला है, जिसमें घूमने लायक स्थानों में सोगरा धाम, जो भगवान शिव का मंदिर, जहां पहुंचने के लिए गुठनी चौराहा से तिनुआ मोड़ और गांव नैनीजोर होकर यहां पहुंचते हैं। तो दूसरा है लकड़ी दरगाह। पटना के मुस्लिम संत शाह अर्जा के दरगाह पर रबीउस सानी के 11वें दिन होने वाले उर्स पर बहुत बड़ा मेला का आयोजन होता है, जो कि देखने लायक है। तीसरा, भीखा बांध। महाराजगंज प्रखंड में एक विशाल पेड़ के नीचे भैया बहनी का मंदिर बना हुआ है, जो कि दर्शनीय स्थल है। और भी यहाँ पर घूमने के लिए बहुत सारे से चीज़ हैं जिन्हें देखना चाहिए। वैसे हमने इससे पहले वीडियो में बनाया है सिवान में घूमने वाले जगहों के बारे में, आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं कि सिवान में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। वहीं सिवान से जुड़े बहुत सारे पौराणिक महत्व के स्थान हैं, जैसे दरौली क्षेत्र में स्थित दोन में एक किले के खंडहर हैं, जो महाभारत में महान गुरु द्रोणाचार्य का कहा जाता है, जो कौरवों और पांडवों को पढ़ाते थे और महाभारत युद्ध में एक प्रमुख व्यक्ति थे। वास्तव में उनके बेटे अश्वत्थामा के बारे में माना जाता है कि पांडवों के पुत्रों की हत्या के लिए भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए श्राप के कारण पृथ्वी पर अभी भी भटक रहा है। दोन एक स्तूप के लिए भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि दोन एक स्थानीय ब्राह्मण का नाम था, जिसने बुद्ध के अंतिम अनुयायियों, यानी जिसमें बुद्ध की अस्थि वितरित की जा सकती थी, के बीच एक पात्र में रखी हुई बुद्ध की अस्थि विवाद को हल करने में सहायता प्रदान की थी। आभार के प्रतीक के रूप में वह पात्र दोन को दिया गया था। उन्होंने पात्र के लिए एक स्तूप बनाया, हालांकि स्तूप अभी भी बौद्धों के लिए एक सम्मानित स्थान है। वास्तव में प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग ने अपने यात्रा के दौरान दोन के बारे में उल्लेख भी किया है। यह भी माना जाता है कि बुद्ध ने अपनी आखिरी सांस यहीं ली थी। हाल ही में भेरबानिया गांव में एक वृक्ष के नीचे से खुदाई में भगवान विष्णु की शानदार प्रतिमा मिली, जिससे पता चलता है कि इस क्षेत्र में भगवान विष्णु के बहुत से अनुयायी थे। वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजहरुल हक, श्री महेंद्र प्रसाद, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बड़े भाई थे, डॉक्टर सैयद मोहम्मद, श्री ब्रज किशोर प्रसाद और श्री फुलेना प्रसाद वर्तमान सिवान जिले में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नरेंद्रपुर के उमाकंठ सिंह ने शहादत को प्राप्त किया। सिवान के ज्वाला प्रसाद और नर्मदेश्वर प्रसाद ने जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग केंद्रीय जेल से भागने में मदद की थी। इस देश के सबसे प्रसिद्ध साहित्यकार में से एक पंडित राहुल सांकीर्तन ने यहां 1937 से 1938 के बीच किसान आंदोलन की शुरुआत की। चंपारण यात्रा के दौरान महात्मा गांधी और मदन मोहन मालवीय ने सिवान का दौरा किया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर में जीरादेई में एक रात बिताई थी। आगे भी अनोखा पोस्ट आपको ऐसी रोचक जानकारियां देता रहेगा, तो बने रहें हमारे अनोखा पोस्ट चैनल के साथ।